आज बादाम पूरी बनाएंगे। बादाम पूरी बनाने के लिए 1/4 ग्लास चीनी लिया है, 3/4 चीनी, 1 ग्लास दूध। दूध और चीनी को मिक्स कर लेंगे। फिर 1 ग्लास, 1 ग्लास ऑयल, इन तीनों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। दूध में चीनी गल जाना चाहिए, फिर तेल डालना है, ऑयल डालना है। फिर इसमें 4.5, 4.5 ग्लास मैदा भी ले सकते हैं, या चिरोटी रवा, थोड़ा सा बारीक रवा जो होता है उसको अच्छी तरह से मिक्स करके वो भी ले सकते हैं। मैंने तो चिरोटी रवा मिक्सी करके लिया है। फिर इसको अच्छी तरह से ऐसा गूंज लेते हैं आटे को। तो ये आटा रेस्ट करने के लिए 1 घंटे के लिए रेस्ट में रख देंगे। अभी देखिए आटा अच्छी तरह से नरम हो गया है, गूंज के जो रखा था ना उसको ऐसा पूरी जैसा लोई बना देंगे। लोई बनाने के बाद इसका बेलने का ढंग देखिए, ऐसा थोड़ा बेल के फिर ऐसा ट्रायंगल रूप में इसको फोल्ड करके ऐसा ट्रायंगल शेप देंगे। मैं और एक दो दिखाती हूँ आपको। देखिए एक लोई लेके ऐसा बेल के फिर उसको फोल्ड करेंगे, फोल्ड करके ट्रायंगल शेप देंगे। फिर उसके बाद भी ऐसा बेल लेंगे। ये अच्छा क्रिस्पी रहता है, 1 महीना 1.5 महीना तक प्रिजर्व करके रख भी सकते हैं ये पैक बॉक्स में। देखिए ऐसा, और बहुत इजी है बनाना, मुश्किल भी नहीं है, बना सकते हैं। देखिए ऐसा, देखिए सब बेल के लिया है। अभी इसको तलेंगे। तेल गरम हो गया है, अभी मैं तेल में एक एक करके डाल रही हूँ। डालते समय बहुत होशियारी से डालना, उड़ेगा तेल। ये मीडियम आंच में तलना है। देखिए कितना अच्छा वो फूल के आ रहा है। ऐसे इसको घुमाते रहना है, घुमाते रहने से अच्छी तरह से वो कलर आएगा, बादामी कलर आने तक। इसका नाम ही बादाम पूरी है तो बादाम कलर आने तक हमको तलना है, ऐसा घुमा घुमा करके। देखिए कलर आना शुरू हो गया है। देखिए कितना अच्छा सब फूल गया है। इसको ऐसे घुमाते रहेंगे। थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि अंदर तक पकना है ना, बिस्किट जैसा पक जाएगा। देखिए कलर कितना सुंदर आया है। ऐसा घुमाते घुमाते देखिए कलर कितना सुंदर आया है। अभी इसको निकाल देंगे।
एक ही कलर आया है सर। देखे सब निकाल दिया है, इसको ठंडा कर लेंगे। ठंडा करने के बाद इसको अभी चाशनी बनाएंगे। एक ग्लास जिस ग्लास में लिया है उसी ग्लास में एक ग्लास चीनी और पौना ग्लास पानी डाल के इसको पिघलाएंगे। देखिए बॉयल हो गया है। तो बॉयल होने के बाद एक 3-4 मिनट बॉयल करने से ऐसा बड़ा बड़ा बबल्स जब आता है तब ये चाश बन के तैयार हो गया है। देखिए कितना अच्छा चाश बन के तैयार हो गया है। अभी इसको उतार लेंगे। देखिए ऐसा गैस बंद करके इसमें रोज एसेंस डाल रही हूँ। 2 बूंद रोज एसेंस डाला है। अभी इसको एक एक पूरी को बादाम पूरी को डाल के डिप करके निकाल देना है, छोड़ना नहीं है, डिप करके निकाल देना है एक थाली में ऐसा। वो चाशनी जो है पतला ही रखना है। देखिए ऐसा शाइनिंग शाइनिंग आना चाहिए, ठंडा होने के बाद ऐसा शाइनिंग शाइनिंग आने से देखने में अच्छा रहता है। देखिए बादाम पूरी रेडी हो गया है, इसको सर्विंग बोल में निकाला है। कितना सुंदर क्रिस्पी बादाम पूरी रेडी।